नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, ये डेली हम लोगों की हिंदी की क्लास होती है जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए। हम लोग यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए इस क्लास को हम लोग प्रत्येक दिन करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, खास तौर पे यह क्लास साथियों, जो यह टारगेट किया गया था कि जो सी टेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, उससे पहले हम लोग अपने इस क्लास को समाप्त करेंगे, अपने सिलेबस को समाप्त करेंगे जो कि ये हिंदी की क्लास होती है। साथियों, प्रत्येक दिन मैं शुरुआत में ही जब अपने इस बैच को, सिलेक्शन बैच को लॉन्च किया था, उसी टाइम मैं अपने इस बैच से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दिया था। आज के लगभग 2 महीने पहले ही मैंने अपने इस बैच को शुरू किया था जो कि साथियों लगभग लगभग समाप्त हो गया है। हिंदी में साथियों हम लोग अपनी इस क्लास में लगभग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। खास तौर पे अगर हम बात करें तो आप लोगों को मैं हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, हिंदी व्याकरण, शब्द विचार, और साथ ही साथ साथियों उपसर्ग और प्रत्यय, संधि, समास, अलंकार, रस, छंद, ये सारी चीज़ें साथियों हम लोग अपनी इस क्लास में पढ़ चुके हैं। छोटे मोटे साथियों कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, 2-4 टॉपिक बचे हैं, उन्हें मैं किसी दिन करवा दूंगा। लेकिन आज मैं ये सोचा साथियों कि आज हम लोग कुछ अदर पार्ट्स जो होते हैं, हिंदी से ही रिलेटेड होता है, हिंदी से ही रिलेटेड साथियों कुछ और पार्ट होते हैं, उसे भी हम लोग 4-6 क्लास कर लें, जिससे कि एग्ज़ाम में हम लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। उसके बाद फिर जो छोटे मोटे टॉपिक बचे होंगे उसे हम लोग करेंगे। ठीक साथियों, तो ये प्रत्येक दिन साथियों हम लोगों की हिंदी की क्लास होती है। इधर भी 2-4 दिन से क्लासें आप लोगों की नहीं हो पा रही थी किसी कारणवश, हिंदी की बाकी और क्लासें तो हो ही रही थी, हिंदी की नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब साथियों सी टेट का एग्ज़ाम भी और एग्ज़ाम डेट भी तो पहले से ही क्लियर थी, लेकिन एडमिट कार्ड भी अब आ गया है। आप लोग सरकारी result.com पे जाके आप लोग अपने एडमिट कार्ड को भी देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है, एग्ज़ाम सेंटर क्या है, ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो साथियों आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में साथियों हम लोग यहाँ पर कुछ पर्यायवाची को देखेंगे, कुछ मुहावरों को देखेंगे साथियों, कुछ शब्द विलोम को देखेंगे, साथ ही साथ कुछ तद्भव और तत्सम को भी यहाँ पर हम करने का काम करेंगे। और ये सभी साथियों पर्यायवाची हो, चाहे शब्द विलोम हो, चाहे तो फिर मुहावरे हो, चाहे तो अनेक शब्दों के एक शब्द हो, साथियों ये सभी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे सी टेट का, चाहे सुपर टेट का, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है साथियों, जो भी जो जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, उस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैं आप तक वो उन क्वेश्चनों को देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एग्जामिनर बार बार लगभग वही सब क्वेश्चन आगे पीछे करते हुए पूछता रहता है। मैंने उन क्वेश्चनों को भी ज़्यादा नोटिस करने की कोशिश किया जो क्वेश्चन एग्जामिनर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए गए हैं, जो पर्यायवाची हो, चाहे शब्द विलोम हो, चाहे एक शब्द के अनेक शब्दों के एक शब्द हों, इत्यादि से जैसे साथियों टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, वो सभी टॉपिकों को मैंने ऐसे क्वेश्चनों को भी उठाने की कोशिश किया जो कि बार बार एग्जामिनर क्या किया है, रिपीट किया है। तो साथियों सबसे पहले हम लोग आज जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आज जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में साथियों पहले से प्रीवियस ईयर एग्जाम में साथियों कुछ क्वेश्चन, कुछ पर्यायवाची पूछे गए हैं, उसे हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक छोटी सी 10 या 5 रुपए की कॉपी ले लीजिए, उसमें मैं जितना यहाँ पे पर्यायवाची कराऊंगा, चाहे शब्द विलोम कराऊंगा, चाहे मुहावरा कराऊंगा, चाहे साथियों तद्भव तत्सम कराऊंगा, उसे आप लोग लगभग 10-10 पेज का पार्ट बना दीजिए, 10-10 पेज का पार्ट बना दीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें लिखते जाइए जो कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में काफ़ी। एक 10 रुपये की कॉपी लीजिए, 10 रुपये की कॉपी लीजिए, और उसमें आप 10-10 पेज का, 10-10 पेज का साथियों एक पार्ट बनाइए, जिसमें एक पार्ट में आप पर्यायवाची लिखिए, दूसरे पार्ट में आप विलोम लिखिए, तीसरे पार्ट में आप लोग मुहावरे लिखिए, चौथे पार्ट में आप लोग तद्भव तत्सम लिखिए। इसी तरीके से साथियों आप लोग क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए उसे, और जो जो चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा उस पार्ट में वो चीज़ें आप लोग लिखते जाइएगा। साथियों आज की क्लास में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पर्यायवाची की। पर्यायवाची की साथियों आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं ज़्यादा नोटिस करने की कोशिश करूंगा, ठीक साथियों। और यूपी टेट के, सी टेट के, चाहे सुपर टेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं को, तो सबसे पहला साथियों आज का होगा, मैं सभी को सेलेक्ट किया हूँ, सेलेक्ट करके लाया हूँ आप लोगों के लिए,
सबसे पहले साथियों पूछा गया, आप आज का आप लोगों का पर्यायवाची सबसे पहला पर्यायवाची होगा सरिता। सरिता का साथियों पर्यायवाची क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सरिता का पर्यायवाची क्या होगा ये साथियों यूपी टेट के एग्ज़ाम में, यूपी टेट के एग्ज़ाम में साथियों पूछा गया 2019 में। ठीक, तो सरिता का साथियों अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो इसका पर्यायवाची होगा निम्ना, निम्ना निम्ना होगा साथियों, तटिनी होगा, तटिनी, तरंगिणी भी होगा, क्या होगा तरंगिणी, तरंगिणी ये सभी साथियों क्या होंगे ये सरिता के पर्यायवाची होंगे। किसके पर्यायवाची होंगे साथियों ये सभी सरिता के पर्यायवाची होंगे। ठीक साथियों, और अगर आप भी कुछ जानते हैं, आप भी अगर कुछ पर्यायवाची जानते हैं साथियों सरिता से रिलेटेड तो आप भी अपने पर्यायवाची को आप लोग बता सकते हैं। एक सेकेंड, सरिता से रिलेटेड कुछ पर्यायवाची अगर आप भी जानते हैं तो आप भी बता सकते हैं। ठीक साथियों, किससे सरिता से रिलेटेड, सरिता से रिलेटेड साथियों ये यूपी टेट के एग्ज़ाम में 2019 में पूछा गया, इसका पर्यायवाची सरिता का निम्ना होगा, तटिनी होगा, तरंगिणी होगा। ठीक, अगला पर्यायवाची पूछा गया साथियों शिक्षक पात्रता परीक्षा में ही पूछा गया अगला पर्यायवाची शशांक। शशांक का पर्यायवाची क्या होगा बताइए, शशांक का पर्यायवाची, तो शशांक का पर्यायवाची होगा साथियों चांद, चांद, चंद्र, चांद होगा, चंद होगा, शशि होगा, शशि, निशाकर, क्या होगा शशि के साथ साथियों निशाकर, निशाकर, अगला होगा साथियों कलानाथ, कलानाथ, सोम, कलानाथ, सोम, इसी के साथ और होगा साथियों विधु, विधु, द्विराज, विधु, द्विराज, विधु होगा साथियों, द्विराज होगा, राकापति, 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 एक और होगा साथियों तारकेश्वर, तारकेश्वर, ये सभी क्या होंगे साथियों शशांक के पर्यायवाची होंगे। शशांक के पर्यायवाची की बात करें साथियों तो चांद होगा, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, ये कलानाथ है साथियों, कलानाथ, सोम, विधु, द्विराज, राकापति, तारकेश्वर। यहीं पे आप लोग बार बार अगर रिवीजन करेंगे, बार बार अगर बोलेंगे साथियों तो आपको याद हो जाएगा। और एग्जाम में आप क्या करेंगे साथियों, एग्जाम में आप इसे मैच कराने की कोशिश करेंगे। करेक्ट, शशांक का पर्यायवाची मैंने बताया चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विधु, द्विराज, राकापति, तारकेश्वर, ये साथियों शशांक के पर्यायवाची हैं। अगला पर्यायवाची होगा साथियों जीभ, अगला पर्यायवाची होगा जीभ। जीभ का साथियों अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो इसका पर्यायवाची होगा जिह्वा, जिह्वा, रसना, जिह्वा, रसना, रसज्ञा,
रसज्ञा, रसिका, रसिका और पर्यायवाची इसका होगा साथियों चंचला, चंचला। जिह्वा का साथियों पर्यायवाची जीभ का पर्यायवाची बताया गया जिह्वा, रसना अर्थात रस को समझने वाला, रसज्ञा अर्थात रस को जानने वाला साथियों रसिका भी होगा, और चंचला का मतलब हुआ काफी चंचल होती है, इस वजह से इसे चंचला भी नाम दिया गया। जीभ का साथियों पर्यायवाची होगा जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका, चंचला। ये साथियों क्या होंगे? जीव के पर्यायवाची होंगे, जीव के पर्यायवाची होंगे साथियों। ठीक, अगला पर्यायवाची होगा साथियों सुंदर। सुंदर का पर्यायवाची आप लोग बताइए साथियों कि सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा। तो सुंदर के अगर पर्यायवाची की बात करें साथियों तो इसका पर्यायवाची होगा चारु, चारु, ललित, चारु, ललित और साथियों होगा रम्य, रमणीक, मनोहर। चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना, सुहावना, रुचिर, सुहावना और होगा साथियों रुचिर, रुचिर। ये क्या होंगे साथियों? सुंदर के पर्यायवाची होंगे। सुंदर का पर्यायवाची होगा साथियों चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना, रुचिर। ये सभी किसके साथियों? सुंदर के पर्यायवाची होंगे। सुंदर के पर्यायवाची चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना, रुचिर, ये सभी सुंदर के पर्यायवाची होंगे। अगला एक पर्यायवाची होगा साथियों वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा आप लोग बताइए। वृक्ष के पर्यायवाची की बात करें साथियों तो होगा तारु, तारु, पादप, पेड़, तारु, पादप, पेड़, अगम, अगम, विटप, विटप और होगा साथियों ध्रुम, ध्रुम भी होगा साथियों, यह किसका? ध्रुम। ये साथियों किसका? वृक्ष का पर्यायवाची होगा। वृक्ष का पर्यायवाची होगा साथियों तारु, पादप, पेड़, अगम, विटप, ध्रुम, ध्रुम। ये सभी साथियों क्या होंगे? वृक्ष के पर्यायवाची होंगे। वृक्ष के पर्यायवाची तारु, पादप, पेड़, अगम, विटप, ध्रुम। ठीक, अगला पर्यायवाची आएगा साथियों चंद्रहास। क्या आएगा? चंद्रहास। ये सभी साथियों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं साथियों जरूर। चंद्रहास की अगर पर्यायवाची की बात करें तो इसका पर्यायवाची होगा साथियों तलवार, तलवार, कृपाण, तलवार, कृपाण, असी, असी, करवाल, करवाल। ये सभी साथियों किसके? चंद्रहास के पर्यायवाची हैं। चंद्रहास के पर्यायवाची साथियों तलवार, कृपाण, असी, करवाल, ये सभी साथियों क्या हैं? ये सभी चंद्रहास के पर्यायवाची हैं। अगला वर्ड आता है साथियों फल। अगला वर्ड आता है अगला पर्यायवाची फल। फल का पर्यायवाची क्या होगा साथियों? तो फल के अगर पर्यायवाची की बात करें तो इसका पर्यायवाची होगा परिणाम, परिणाम, नतीजा, परिणाम, नतीजा,
अंजाम, अंजाम ये सभी क्या होंगे साथियों? फल के पर्यायवाची होंगे। फल का पर्यायवाची परिणाम, नतीजा, अंजाम ये सभी फल के पर्यायवाची होंगे। ठीक साथियों, अगला साथियों अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो अगला पर्यायवाची आएगा, आगे हम पर्यायवाची की बात करें तो वो आएगा साथियों किरण। 8वें नंबर पे हम करेंगे किरण। किरण की साथियों अगर हम बात करें तो किरण का पर्यायवाची होगा क्या? होगा मरीची, मरीची, दीप्ति, मरीची, दीप्ति, मयूख, मयूख, रश्मि, मयूख, रश्मि, और होगा साथियों कर, कर, और एक और होगा साथियों अंशु, अंशु। ये सभी साथियों किसके? किरण के पर्यायवाची हैं। किरण के पर्यायवाची होंगे साथियों मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंशु। ये साथियों मयूख है। क्या है? ये मयूख है। ठीक साथियों, याद रखिएगा किरण का पर्यायवाची मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंशु। ये सभी साथियों क्या होंगे? ये सभी किरण के पर्यायवाची होंगे। क्या होंगे? किरण के पर्यायवाची। ठीक साथियों, लगभग 8 पर्यायवाची को हम लोगों ने देखा साथियों, 8 पर्यायवाची को लगभग हम लोगों ने देखा। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, इसे आप लोग समझिएगा। सरिता का साथियों होगा निम्ना, तटिता, तरंगिणी। सरिता का पर्यायवाची निम्ना, तटिनी, तरंगिणी। निम्ना, तटिनी, तरंगिणी ये साथियों सरिता का क्या होगा? पर्यायवाची। शशांक का पर्यायवाची होगा साथियों चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विधु, द्विराज, राकापति, तारकेश्वर। ये शशांक का क्या होगा? पर्यायवाची होगा। अगला साथियों जीव के पर्यायवाची दिया गया, जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका, चंचला। ये सभी जिह्वा के, जीव के साथियों पर्यायवाची होंगे। सुंदर का पर्यायवाची होगा चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना, रुचिर। ये सभी किसके? सुंदर के पर्यायवाची हैं। वृक्ष के पर्यायवाची होगा साथियों तारु, पादप, पेड़, अगम, विटप, द्रुम। ये सभी वृक्ष के पर्यायवाची होंगे। चंद्रहास की बात करें साथियों तो तलवार, कृपाण, असी, करवाल ये सभी चंद्रहास के पर्यायवाची होंगे। फल की बात करें तो परिणाम, नतीजा, अंजाम ये सभी फल का पर्यायवाची होगा। किरण का पर्यायवाची मरीचि, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंशु ये सभी साथियों किसके पर्यायवाची होंगे? ये सभी किरण के पर्यायवाची होंगे। किरण के ऐसे ही लगभग हम लोग 8-10 दिन कर लेंगे साथियों, ऐसे ही लगभग हम लोग 8-10 दिन कर लेंगे साथियों, तो हम लोगों को क्या होगा? काफ़ी मदद मिलेगी, और ख़ास तौर पे प्रीवियस ईयर एग्जाम में। 8 साथियों पर्यायवाची हुए, इसे आप लोग अपने पर्यायवाची वाले पार्ट में लिख लीजिएगा। लगभग 8-10 रुपये की कॉपी आप ले लेंगे तो ये साथियों 4-5 पार्ट में बांट के आप लोग करेंगे तो काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आगे हम लोग करेंगे साथियों मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें भी हम वही साथियों मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, या तो ऐसे लोकोक्तियाँ जो बार बार एग्जाम ने रिपीट किया है, पूछा है। आगे हम बात करेंगे मुहावरे और लोकोक्ति। मुहावरे, मुहावरे एवं लोकोक्ति। मुहावरे व लोकोक्ति, कुछ मुहावरे और लोकोक्ति भी साथियों हम लोग देखेंगे
जो कि एग्जामिनर क्या किया है, एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या तो एग्जामिनर जो बार बार रिपीट किया है। पहला होगा साथियों कलेजा पसीज जाना। पहली साथियों लोकोक्ति है कलेजा पसीज जाना, कलेजा पसीज जाना। कलेजा पसीज जाना इसका साथियों क्या होगा बताइए। पहला साथियों बताइए, बताइए पहली लोकोक्ति है साथियों कलेजा पसीज जाना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए। अगली लोकोक्ति मैं लिख रहा हूँ साथियों होगा हक्का बक्का, हक्का बक्का, हक्का बक्का। इसका क्या होगा साथियों बताइए। अगली लोकोक्ति मैं लिख रहा हूँ नाक रगड़ना, नाक रगड़ना। ये सभी साथियों एग्जाम में आए हुए लोकोक्ति हैं। ठीक, बताइए नाक रगड़ना। आगे बताइए साथियों आप लोग आँख उठाकर भी नहीं देखा, आँख उठाकर भी नहीं देखा, आँख उठाकर भी नहीं देखा, आँख उठाकर भी नहीं देखा। ठीक साथियों बताइए। अगला एक और साथियों मुहावरा होगा मक्खी मारना। क्या? मक्खी मारना, मक्खी मारना साथियों, मक्खी मारना, मक्खी मारना। अगला मुहावरा होगा साथियों एग्जाम में ही सभी पूछे गए हैं अंधे की लाठी, अंधे की लाठी, अंधे की लाठी। सातवां होगा साथियों कान भरना, कान भरना। आठवां होगा आँख का तारा होना, काफी इजी है आँख का तारा होना, आँख का तारा होना। नौवां है साथियों, नौवां मुहावरा है नौवा है साथियों गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना। दसवें नंबर पे होगा साथियों छाती पर मूंग दलना, छाती पर, छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना। साथियों दस में मुहावरे मुहावरे दिया हो इनके बारे में बताइए साथियों कि इनका अर्थ क्या होगा, इनका अर्थ क्या होगा साथियों। इन सभी के बारे में आप लोगों को बताना है कि इनका अर्थ क्या होगा। ठीक साथियों बताइए आप लोग। सबसे पहले मुहावरा है साथियों, सबसे पहला मुहावरा है क्या है कि कलेजा पसीज जाना, कलेजा पसीज जाना। इसका मतलब द्रवित हो जाना, दुखी हो जाना। क्या होगा? द्रवित हो जाना, द्रवित हो जाना। कलेजा पसीज जाना का मतलब हुआ साथियों द्रवित हो जाना, अर्थात दुखी हो जाना,
दुखी हो जाना। ठीक साथियों, अगला साथियों मुहावरा है हक्का बक्का। अगला मुहावरा है साथियों जो है क्या, हक्का बक्का। इसका अर्थ होगा साथियों अचरज में पड़ना, अचरज में पड़ना या संकट में पड़ना, अचरज में पड़ना, अचरज में पड़ना साथियों या संकट में पड़ना, ये क्या होगा, हक्का बक्का। अगला है साथियों नाक रगड़ना। क्या है, नाक रगड़ना अगला क्या है साथियों, मुहावरा है। इसका मतलब होगा साथियों, इसका अर्थ विनती करना। नाक रगड़ना इसका अर्थ होगा साथियों विनती करना। क्या होगा, विनती करना, विनती करना साथियों नाक रगड़ने जैसा ही होगा। विनती करना क्या होगा, नाक रगड़ने जैसा ही होगा। आगे है साथियों आँख उठाकर भी नहीं देखा। आगे क्या पूछा गया कि आँख उठाकर भी नहीं देखा, बताइए इसका अर्थ क्या होगा साथियों, कि आँख उठाकर भी नहीं देखा, मतलब आँख उठाकर भी नहीं देखा का मतलब हुआ कि ध्यान ध्यान तक भी न देना, ध्यान तक भी न देना, ध्यान तक भी न देना का मतलब हुआ साथियों आँख उठाकर भी नहीं देखा। आँख उठाकर भी नहीं देखा मतलब ध्यान तक भी न देना, ध्यान भी न देना। ठीक साथियों, अगर और स्पष्ट करना चाहे तो लिख लीजिए कि ध्यान भी न देना। अगला पूछा गया साथियों मक्खी मारना। क्या पूछा गया, आगे पूछा गया मक्खी मारना, बताइए इसका मतलब क्या होगा। मक्खी मारने का मतलब हुआ साथियों खाली बैठना। मक्खी मारने का मतलब हुआ खाली बैठना, कोई काम नहीं है, खाली बैठना, कोई काम न होना मक्खी मारने जैसा ही होगा, कोई काम न होना मक्खी मारने के जैसा ही होगा। अगला मुहावरा है साथियों अंधे की लाठी। अगला मुहावरा है क्या है, अंधे की लाठी, बताइए अंधे की लाठी, ये साथियों क्या है अगला मुहावरा है। अंधे की लाठी का मतलब हुआ साथियों कि एक ही सहारा। अंधे की लाठी का मतलब हुआ साथियों एक ही सहारा, बताइए आप लोग, बताइए इसका अर्थ क्या होगा। अंधे की लाठी अंधे की लाठी का मतलब होगा साथियों कि एक ही सहारा। अंधे की लाठी का अंधे की लाठी का मतलब क्या होगा साथियों, मात्र एक सहारा, एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी का एकमात्र सहारा क्या होगा साथियों, लाठी। तो अंधे की लाठी का क्या मतलब होगा, एकमात्र सहारा। कान भरना, कान भरने का मतलब होगा साथियों चुगली करना, चुगली करना, उल्टी सीधी बातें करना। कान भरने का मतलब क्या होगा, चुगली करना, क्या होगा, चुगली करना साथियों कान के भरने जैसा ही होगा। आँख का तारा होना, क्या पूछा गया साथियों, आँख का तारा होना। तो आँख का तारा होना मतलब हुआ साथियों अत्यंत प्रिय होना, क्या हुआ, अत्यंत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना। आँख का तारा मतलब साथियों अत्यंत प्रिय होना, क्या होगा, अत्यंत प्रिय होना। अगला पूछा गया साथियों कि गागर में सागर भरना। अगला क्या पूछा गया, गागर में सागर भरना, बताइए
गागर में सागर भरना इसका क्या मतलब होगा? गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरने का मतलब होगा साथियों, विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना। गागर में सागर भरने का मतलब होगा विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना, लंबी लंबी बातों को संक्षेप में कह देना। लिखेंगे विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना, किसमें? संक्षिप्त में कहना, विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना ही क्या होगा, गागर में सागर भर देना होगा। छाती पर मूंग दलना, अगला पूछा गया साथियों, छाती पर मूंग दलना इसका साथियों क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा बहुत अधिक परेशान करना। छाती पर मूंग दलना मतलब बहुत अधिक परेशान करना, बहुत अधिक परेशान करना, बहुत अधिक क्या साथियों, परेशान करना। छाती पर मूंग दलना मतलब बहुत अधिक परेशान करना। कुछ साथियों मुहावरे दिया हूँ, उसके अर्थ के बारे में बताना है आप लोगों को। सभी साथियों मुहावरे ये काल्पनिक नहीं है, सभी मुहावरे साथियों एग्ज़ाम में पूछे गए मुहावरे हैं। सभी मुहावरे साथियों किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिसके कारण काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है साथियों कलेजा पसीज जाना। कलेजा पसीज जाना का मतलब होगा साथियों द्रवित हो जाना, मतलब हृदय का दुखी हो जाना। हृदय का दुखी हो जाना साथियों क्या होगा, कलेजा पसीज जाना। अगला है हक्का बक्का होना। हक्का बक्का का मतलब होगा साथियों अचरज में पड़ना, आश्चर्य में पड़ जाना। आश्चर्य में पड़ जाना, अचरज में पड़ना ही साथियों क्या होगा, हक्का बक्का होगा। अगला होगा साथियों नाक रगड़ना। नाक रगड़ने का तात्पर्य होगा साथियों विनती करना। नाक रगड़ने का मतलब क्या होगा, विनती करना साथियों नाक रगड़ने का तात्पर्य होगा। आंख उठाकर भी नहीं देखा, आंख उठाकर भी नहीं देखा का साथियों अर्थ होगा ध्यान भी न देना, बिल्कुल ध्यान न देना साथियों, बिल्कुल पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देना। आंख उठाकर भी नहीं देखा मतलब ध्यान भी न देना, ये साथियों इसका अर्थ होगा। ये साथियों लिखा है मक्खी मारना। क्या लिखा है? मक्खी का मारना। मक्खी मारना मतलब साथियों खाली बैठना, कोई काम न होना, खाली बैठना, कोई भी काम न होना, इसका मतलब क्या होगा, मक्खी मारना। आगे साथियों बताया गया अंधे की लाठी। अगला मुहावरा है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का साथियों तात्पर्य होगा क्या होगा, अंधे की लाठी का तात्पर्य होगा साथियों कि एकमात्र सहारा। अंधे का एकमात्र सहारा क्या होता है साथियों, उसकी लाठी होती है। तो वही चीज़ बताया गया कि अंधे की लाठी का मतलब होगा साथियों कि एकमात्र सहारा। क्या होगा? एकमात्र सहारा अंधे की लाठी का अर्थ होगा। अगला साथियों मुहावरा पूछा गया आप लोगों से। अगला मुहावरा आप लोगों को दिया गया, क्या दिया गया, आँख सॉरी कान भरना। कान भरने का तात्पर्य होगा साथियों चुगली करना। क्या होगा? चुगली करना ही साथियों क्या होगा, कान भरना। आँख का तारा होना। आँख का तारा होना का तात्पर्य होगा अत्यंत प्रिय होना। अत्यंत प्रिय होना ही साथियों क्या होगा, आँख का तारा, मतलब बिल्कुल आप आँख के सामने से ओझल हुए कि उन्हें बेचैनी सी होने लगेगी। अगला बताया गया साथियों कि गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का तात्पर्य होगा साथियों यहाँ कि विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना। विस्तृत बात को, बहुत बड़ी बातों को साथियों आप अपने छोटे से शब्दों में कह दे रहे हैं, उसी को साथियों कहा जाएगा कि गागर में सागर भरना। बहुत बड़ी बातों को छोटे से शब्दों में पिरो देना ही क्या होगा, गागर में सागर भरने जैसा ही होगा। आगे साथियों बताया गया छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना का तात्पर्य हुआ साथियों बहुत अधिक परेशान कर देना। बहुत अधिक परेशान करना ही साथियों क्या होगा,
छाती पर, सॉरी हाँ, छाती पर मूंग दलने के जैसा ही होगा। ठीक, ये साथियों हम लोग लगभग 10 मुहावरे को हम लोगों ने अच्छे से जाना, समझा और पढ़ने का भी काम किया। ठीक साथियों, अब आगे हम लोग साथियों कुछ तद्भव और तत्सम भी हम लोग देखेंगे, कुछ तद्भव और तत्सम भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे तद्भव और तत्सम। लगभग 4-5 दिन ये क्लास चलाएंगे साथियों, तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी हम लोगों को, सीधे एग्ज़ाम के क्वेश्चन को टारगेट कर देंगे। यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाने का लगभग 90% चांस रहेगा। तद्भव और तत्सम के बारे में हम जानेंगे। तद्भव एक तरफ लिखेंगे, तद्भव दूसरी तरफ लिखेंगे साथियों तत्सम। एक तरफ तद्भव, एक तरफ क्या लिखेंगे, तत्सम। ठीक, इधर हम लोग तद्भव लिखेंगे और इस साइड हम लोग तद्भव क्या होगा उसका हम लोग ये जानेंगे। ठीक साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। तद्भव का अर्थ होता है साथियों वे शब्द जो स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं। चूंकि ये साथियों शब्द संस्कृत से चलकर पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँचे हैं, अतः इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। ठीक, कहने का मतलब साथियों जो शब्द साथियों संस्कृत से परिवर्तित होकर पाली प्राकृत अपभ्रंश में पहुँचे हैं वही क्या होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। और तत्सम की अगर बात करें साथियों तो हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं साथियों जो संस्कृत से सीधे आ गए हैं, जो संस्कृत से सीधे आ गए हैं साथियों, और आज भी संस्कृत में मूल शब्द की भांति ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, तद्भव। संस्कृत के वे शब्द साथियों, संस्कृत के वे शब्द जो सीधे साथियों हिंदी में आ गए हैं उन्हीं को हम लोग तत्सम कहेंगे। तो साथियों हम लोग तद्भव और तत्सम पढ़ेंगे। घोड़ा का साथियों तत्सम बताइए, घोड़ा घोड़ा का तत्सम बताइए क्या होगा। अगला हम बात करेंगे, आगे बताइए साथियों आम का तत्सम क्या होगा, किसका, आम का तत्सम बताइए क्या होगा। अगला हम तद्भव दे रहे हैं आप लोगों को, शिष्य का साथियों तत्सम क्या होगा, शिष्य का साथियों तत्सम क्या होगा आप लोग बताइए। अगला हुआ साथियों खेत, खेत का तत्सम क्या होगा, खेत एक तद्भव शब्द है इसका तत्सम क्या होगा। अगला साथियों होगा दूध, दूध का तत्सम बताइए आप लोग, किसका, दूध का साथियों तत्सम आप लोग बताइए क्या होगा। अगला साथियों हम बात करें मौत, मौत का साथियों ये सभी साथियों एग्जाम में आए हुए हैं, मौत का आप लोग तत्सम बताइए, मौत का तत्सम बताइए। अगला वर्ड होगा साथियों तद्भव क्या होगा, आंसू, आंसू का साथियों आप लोग तत्सम बताइए, आंसू का आप लोग क्या बताएंगे, तत्सम बताएंगे आप लोग। आठवां होगा साथियों तद्भव हम बात करें तो वो होगा आशीष, आशीष का तत्सम बताइए, आशीष का तत्सम आप लोग बताएं। नौवां होगा साथियों, नौवां बताएंगे आप लोग गंवार, गंवार का तत्सम बताइए आप लोग, गंवार, गंवार का साथियों क्या बताएंगे, तत्सम आपको बताना है, गंवार का तत्सम आप लोगों को बताना है। ठीक, गंवार का तत्सम आप लोगों को बताना है। अगला होगा साथियों क्या होगा,
जेठ का तत्सम आप लोग बताइए, जेठ जेठ का तत्सम आप लोग बताइए। अगला होगा साथियों ग्यारहवां, ग्यारहवां तद्भव होगा क्या, आंख का, आंख नहीं है ना इसमें, आंख का साथियों आप लोग क्या बताएंगे, तत्सम बताएंगे। आंख का तत्सम क्या होगा, किसका, आंख का तत्सम आपको बताना है। और अंतिम और बारहवां तद्भव मैं आपको दे रहा हूँ, कौन सा, कौवा, कौवा का साथियों आपको तत्सम बताना है। कौवा का तत्सम क्या होगा आप लोग बताइए। घोड़ा का साथियों तत्सम बताइए, आम का तत्सम बताइए, शिष्य का तत्सम बताइए, खेत का तत्सम बताइए, दूध का साथियों तत्सम, मौत का तत्सम, आंसू का तत्सम, आशीष का तत्सम, गंवार का तत्सम, ज्येष्ठ का तत्सम, आँख का तत्सम, कौवा का तत्सम आपको बताना है। ठीक, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तत्काल प्रभाव से बताएं। तो साथियों घोड़ा का अगर हम तत्सम की बात करें तो घोड़ा का तत्सम होगा घोटक। घोड़ा का तत्सम क्या होगा, घोटक, घोड़ा का तत्सम होगा घोटक जो होगा ये क्या होगा, घोड़ा का तत्सम होगा। ठीक साथियों, आगे साथियों अगर हम आम की बात करें तो आम का तत्सम साथियों आम्र होगा। आम का तत्सम क्या होगा, आम्र, आम का तत्सम आम होगा साथियों, आम्र, आम्र जो होगा ये आम का क्या होगा, तत्सम होगा। अब साथियों शिष्य के अगर हम तत्सम की बात करें, किसके, शिष्य के अगर हम तत्सम की बात करें तो शिष्य का साथियों तत्सम होगा इस प्रकार का, शिष्य, शिष्य यह जो होगा यह साथियों क्या होगा, शिष्य का, इस शिष्य का तत्सम ये शिष्य होगा। ठीक, खेत, खेत का साथियों अगर हम तत्सम की बात करें तो खेत का साथियों तत्सम होगा क्षेत्र, क्षेत्र जो होगा साथियों वह खेत का क्या होगा, तत्सम होगा, खेत का, खेत का तत्सम क्षेत्र होगा। दूध, दूध साथियों एक तद्भव शब्द है, दूध के अगर हम तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम दुग्ध होगा, क्या होगा, दुग्ध साथियों इसका तत्सम होगा, दुग्ध जो होगा यह क्या होगा, दूध का साथियों क्या होगा, तत्सम होगा। आगे साथियों मौत की बात करें हम, किसकी, मौत की बात करें तो मौत का साथियों तत्सम मृत्यु होगा, क्या होगा, मृत्यु, मौत का तत्सम अगर हम बात करें तो मृत्यु हो साथियों इसका क्या होगा, मौत का तत्सम होगा, मृत्यु जो होगा वह मौत का तत्सम होगा। आंसू की बात करें, आंसू की अगर हम बात करें साथियों तो यह एक तद्भव शब्द है, क्या है, यह एक तद्भव शब्द है साथियों, इसके अगर हम तत्सम की बात करें तो इसका तद्भव होगा, तत्सम होगा अश्रु, क्या होगा, अश्रु साथियों इसका क्या होगा, एक तत्सम शब्द होगा, एक तत्सम शब्द जो होगा यह क्या होगा, अश्रु होगा। अब हम यही साथियों आशीष की बात करें, किस क्या, आशीष की अगर हम बात करें साथियों तो आशीष एक क्या है, आशीष एक तद्भव शब्द है और इसके अगर हम तत्सम की बात करें तो इसका शब्द होगा आशीष, क्या होगा, आशीष इसका तत्सम होगा, आशीष इसका तत्सम होगा और आशीष जो है यह तद्भव शब्द है। गंवार, गंवार की अगर हम बात करें साथियों तो इसका तत्सम होगा ग्रामीण, गंवार एक तद्भव शब्द है और इसका अगर हम तत्सम की बात करें तो गंवार का तत्सम क्या होगा, ग्रामीण, ग्रामीण, ग्रामीण जो होगा यह क्या होगा, यह एक तत्सम शब्द है। जेठ की बात करें, किसकी, जेठ की अगर हम बात करें साथियों तो जेठ भी एक कैसा शब्द है, जेठ भी एक तद्भव शब्द है और इसकी अगर हम तत्सम की बात करें तो इसका जेठ का तत्सम होगा ज्येष्ठ, क्या होगा, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ जो होगा
यह कैसा शब्द है? यह एक तत्सम शब्द है। ज्येष्ठ जो है यह एक तत्सम। आँख की बात करें, किसकी आँख की अगर हम बात करें साथियों, तो आँख का आँख एक तद्भव शब्द है, और आँख के अगर हम तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम होगा क्या होगा? अच्छी। अच्छी जो होगा साथियों, यह आँख का क्या होगा? यह आँख का क्या होगा साथियों? तत्सम शब्द है। अच्छी जो है साथियों, यह आँख का तत्सम शब्द है। कौवा। अंतिम आप लोगों को दिया गया साथियों कौवा। कौवा का बताइए आप लोग कि इसका तत्सम क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि कौवा का तत्सम क्या होगा? किसका? कौवा का तत्सम क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो कौवा का था साथियों तत्सम, अगर बात करें तो कौवा का तत्सम काकह होगा। क्या होगा? काकह। काकह जो होगा या कौवा का तत्सम होगा। साथियों मैंने कुछ तद्भव और कुछ तत्सम शब्द बताया। घोड़ा का साथियों तत्सम घोटक, आम का तत्सम आम्र, शिष्य का तत्सम शिष्य, खेत का साथियों अगर तत्सम बात करें तो क्षेत्र, दूध का तत्सम दुग्ध, मौत का तत्सम मृत्यु, आंसू का तत्सम अश्रु, आशीष का तत्सम आशीष, गंवार का तत्सम ग्रामीण, और जेठ का तत्सम ज्येष्ठ होगा, और आँख का तत्सम अच्छी होगा, और कौवा का तत्सम क्या होगा? काकह होगा। ये साथियों हम लोगों ने कुछ तद्भव और तत्सम शब्द देखे, जिसे देशज और विदेशज भी कहा जाता है, जिसे देशज और विदेशज भी कहा जाता है। ठीक साथियों, हम लोगों ने कुछ कुछ क्या देखे? कुछ तद्भव और तत्सम शब्द देखे। ठीक साथियों, ये सभी शब्द जो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट शब्द हैं साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन कोई इधर उधर से नहीं उठाए गए हैं, सभी क्वेश्चन साथियों प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं। वहीं से मैंने इन सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन किया। कलेक्शन करने के बाद मैं आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक साथियों, इसे आप लोग अपने एक पतली सी कॉपी 10 रुपये की ले लीजिए, उसी में 5-6 पार्ट बना लीजिए। कई सारी चीज़ें मैं ऐसे 4-5 क्लासों में बता दूंगा जो कि सीधे एग्जाम में आपके आने का काम करेगी। ठीक, उसके बाद अभी मैं हिंदी पेडागॉजी साथियों मैं शुरू करने वाला हूँ। 2-4 दिन में ये क्लास मैं समाप्त करके हिंदी की जो है पेडागॉजी मैं शुरू करने वाला हूँ, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, एग्ज़ाम तक में सारा सिलेबस आपका मैं समाप्त करूँगा, खासतौर पर 2 सब्जेक्ट बाल विकास और हिंदी। ठीक, बिल्कुल विस्तार के साथ। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा आप लोग साथियों, और साथ ही साथ क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए। आपकी जो भी सोशल मीडिया पेट है, जो भी आप चलाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, प्रत्येक जगह क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि विद्यार्थियों तक आपकी ये क्लासें भी पहुँच सकें, जिसके कारण साथियों कुछ और विद्यार्थी इन क्लासों का लाभ उठा सकें। ठीक साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या अन्य जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से शेयर करिए, मैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।